हाउ वी कैन एक्सपेक्ट टू बी वेल, कैन नॉट बी वेल. दैट इज वाई वी हैव दीज इलनेसेस. वी हैव, जैसे जैसे उम्र होती है क्या होने लगता है, वी हैव मेमोरी लॉस, राइट? अल्जाइमर्स इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ. हाउ कम अचानक से सो मेनी पीपल हैविंग दिस? ऑल इज बिकॉज वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन. ओके, सो वेदर इट इज अ बिग प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड. सी नाउ, हेक्सिन के लिए हमने कितनी सारी चीजें यहाँ आपको बताई हैं. ऑल दिस डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस, हेडेक्स, so what are the sources that we can do? These are all the sources of iron. बहुत सारे जन मेरे को बोलते हैं वेजिटेरियन खाने में तो इनफ है ही नहीं. Who said? Vegetarian food has the maximum number of nutrition. Live food. We have enough to give our body to be healthy. We can eat all of this food. वॉट एवर यू नीड इज राइट हियर, जो कुदरत से हमें दिया है. आलमंड्स, एस्पैरगस, ऑल जो आपके यहाँ उगता है आपको खाना चाहिए. लोकल, ईट लोकल. जहां पर आप रहते हो उसके हिसाब से वहां का मौसम होता है, आपको वैसे खाना खाना चाहिए. ओके, वाई आई से रिफाइंड फ्लावर इज नॉट गुड, क्योंकि ये जो हमारी खपली होती है गेहूं के ऊपर, वो लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है, छाटते हैं उसको, उसके बाद उसको मशीन से लेकर जाते हैं. तो बेसिकली ऊपर जितना भी उसका न्यूट्रिशन एक्चुअली था, जो भी प्रोटीन था, वो तो सारा उन्होंने निकाल दिया और आपको दे दिया नथिंग बट सिंपल कार्ब्स. तो एक्चुअली हमें कार्ब्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए. कार्ब्स तो चाहिए फॉर एनर्जी, योर बॉडी नीड्स द कार्ब्स. वी गो ऑन अ कार्ब फ्री डाइट, वी गो ओनली ऑन अ प्रोटीन डाइट. व्हाट इज दिस? वी नीड एवरीथिंग बट. और वो जो खपली निकलती है, सबसे फनी बात ये है कि वो सारा बिस्किट वाले लेके जाते हैं. दे पुट इतना 1% 2% ऑफ दैट इन देयर बिस्किट एंड दे कॉल इट न्यूट्रीलाइट बिस्किट एंड यू नो ओ फाइबर रिच बिस्किट. हाउ सिली इज दैट? वो ही चीज आप अपने इनफैक्ट रोटी में खा लो. और हमें सबको ऐसा लगता है फुलका खाना बहुत अच्छा होता है, लाइट होता है. बाय द वे, जो बचा कुचा उसमें प्रोटीन है आपके आटे में, अगर आप अपने फुलके को फुगाते हैं तो वो फट जाता है. सो वो जो बचा कुचा था ना, वो भी आपके फुलका करने से और उसको फुगाने से आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. लेट मी टेल यू दिस. तो इसीलिए तवे के ऊपर उसको दबा के, जो घी लगा के हल्का सा जो पराठा बनाते थे ना, आइडियली आपको अगर खानी है चपाती तो आप वैसे खाइए. उसको फुगाने से, उस फुलके में से इनफैक्ट जितना भी बचा था ना, वो इट इज ऑल डिस्ट्रॉयड. नूपुर जी, सारा पंजाब फुलका फूला हुआ मिलाना चाहिए, नहीं फूला तो रिजेक्ट कर देते हैं। और ये तरीका एक्चुअली ये अब स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ 100 साल में या 50 साल, आई डोंट नो. कभी नहीं खाया किसी ने. इट वाज ऑलवेज पराठा, हाथ से किए हुए मोटे मोटे ऐसे पराठे खाए जाते थे. ये फुलका तो एक तरीका है, नया आसान तरीका है, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि ये जल्दी बनता है. और आप कभी भी देखो, आप एक पराठा खाओगे लेकिन आप फुलके दो या तीन खा लोगे. की बात है, पराठा एक ही खाया जाता है या दो, जो भी है कैपेसिटी, जो पराठा खाते हैं उससे कई ज्यादा गुना हम फुलका खाते हैं.
तो उसमें ना गुण है, और एक जो गुणकारी चीज होती थी पहले कि कम से कम हम फुलके पे घी तो लगाते थे, अब तो एवरीबडी वॉन्ट्स लुखा फुलका, और हमको लगता है लुखा फुलका खाने से वी आर हैविंग अ गुड डाइट। अरे वो बेसिक, इनफैक्ट घी वॉज एटलीस्ट द न्यूट्रिशन योअर बॉडी वॉज गेटिंग। एंड आई डोंट ब्लेम एनीबडी, हम सब ने ये किया है बिकॉज हम वी वर ऑल इन दैट बिग मिथ। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एंड सजेस्ट कि अगर आपको रोटी खानी है तो सबसे पहली चीज तो आपको तवे पे उसको सेक के खानी चाहिए, दूसरा खपली गेहूं लाकर अपने आप पिसवा के उसको खानी चाहिए, और तीसरा ये है कि ये जो मिक्स आटे का जो सिस्टम है, बाय द वे आपको बताऊं कि ये ना मिक्स आटा करके मत रखिए, ओके? क्यों? क्योंकि हर मिक्स आटे में क्या होता है, हर आटे का, हर ग्रेन का अपना डाइजेशन सिस्टम होता है, अपना ये उसमें न्यूट्रिशन होता है, और हर आटा, हर गेहूं सीड हर मौसम में नहीं चलता। तो आपको करना है, आप आटा अलग-अलग रखिए, जैसे जैसे आपको लगता है आप वैसे वैसे उसकी रोटी बनाइए, या कभी ऐसा लगा जैसे थाली पीट खाते हैं तो थोड़ा सा मिक्स करके हमने उसका बनाया, ये अलग बात है, बट एवरी डे में मिक्स करके हमको नहीं रखना चाहिए, ओके? ऑल सी सुपुर जी, हमारे घर में ऑयल्स मिक्स करके यूज करते हैं। ऑयल्स मिक्स करके लेते हैं। हाँ अर्चना क्या? हाँ जी, हम क्या करते हैं कि जस्ट ओनली सनफ्लावर ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो व्हाट वी स्टार्टेड टू मिक्स कोकोनट ऑयल, नॉट कोकोनट ऑयल, सॉरी, दिस वन सनफ्लावर एंड व्हाट एल्स, पीनट ऑयल और ये राइस ब्रान ऑयल, ऐसे हम तीन मिक्स करके वो इस्तेमाल करते हैं। इज दैट गुड? अर्चना आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हो? हाँ, रिफाइंड ऑयल यूज करती थी, लेकिन आपका ये सुन के फिर मैं चेंज कर ली, वो करने वाली हूँ। क्योंकि रिफाइंड ऑयल तो कोई भी रिफाइंड ऑयल हो, नन ऑफ देम आर गुड। और दूसरा भी, आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स भी जब आप फ्रेश ऑयल लाते हो तो उन्हें मिक्स मत करिए, यूज ओके, द वे इट इज, क्योंकि सिंगदाने का तेल और तिल का तेल अलग होता है, उसका हीटिंग प्रोसेस अलग होगा, उसका तरीका, सो मिक्स मत करिए, ओके, ओके? मिक्स सीड ऑयल हम रेगुलरली पीते हैं, यू ड्रिंक इट बिकॉज यू गेट द न्यूट्रिशन ऑफ ऑल द सीड्स डायरेक्टली, बट कुकिंग के लिए कीप इट टू वन कैरेक्टर, ओके, ठीक का एक कैरेक्टर होता है ना, उसके लिए बहुत जरूरी होता है ये, है। ओके? दीज आर ऑल द फूड्स जो आप लोग खा सकते हैं। सी, यू हैव सो मच वाइटामिन के को इनफैक्ट इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट वाइटामिन के इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और कितनी चीजों में वाइटामिन के मिलता है, पर वी आर ऑल बिहाइंड विटामिन डी ओनली एंड विटामिन B12, आई डोंट नो वाई। कैल्शियम के लिए देखिए कितना खाना है हमारे पास, वी हैव सो मच फूड रिच इन पोटेशियम, रिच इन ऑल न्यूट्रिशन, वी कैन ईट ऑल ऑफ दिस एज पर सीजन, वी शुड ईट ऑल ऑफ दिस एज पर लोकल। एवोकाडो इज नॉट आर लोकल फूड, उसके बदले में क्या खाना चाहिए एक्चुअली? पेरू। आई वॉज जस्ट हैविंग अ स्मूदी, पेरू स्मूदी, पेरू खाइए, वेरी हाई ऑन विटामिन्स। वी डोंट नीड इम्पोर्टेड फूड्स और इम्पोर्टेड थिंग्स फॉर दिस। एंटीऑक्सीडेंट्स, एनीथिंग विच इज डार्क इन कलर। पेरू अमरूद को बोलते हैं ना? हाँ अमरूद, हाँ, कैल्शियम बहुत है ना उसमें। बहुत कैल्शियम पोटेशियम सब है उसमें, इट इज अ वेरी वेरी गुणकारी फ्रूट। ओके, और जो भी चीजें डार्क कलर होती है ना, जितना डार्क कलर होगा उतनी इट विल बी हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके?
सो जितना फल या सब्जी जो भी है वो डार्क कलर होती है, इट इज वेरी हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आप जरूर उसको शौक से खाइए, उससे आपकी स्किन इनफैक्ट अच्छी रहती है। एक बहुत ही गुणकारी फल खाना है, वो है रतालू, मीठा पटेटो, स्वीट पटेटो, वेरी हाई ऑन न्यूट्रिशन, और उसमें एक दूसरा कलर का भी आता है, पर्पलिश कलर का, आप वो खाइए, दैट इज इनफैक्ट वेरी वेरी हाई ऑन न्यूट्रिशन, इट इज हाई ऑन एंटी, सब खाइए इनफैक्ट, एक्चुअली ऑल फूड्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर डार्क लाइट, ऑल दे हैव डिफरेंट पर्पसेस। हमारे ड्राई फ्रूट्स देखते हैं, दे कम इन दैट शेप, वाई? सपोज सोचे कुदरत इतना ब्यूटिफुल है कि उसने उनको शेप दिया है एज पर आर ऑर्गन्स, एग्जैक्टली एज पर आर ऑर्गन्स वो हमें हेल्प करता है। Just one question on diabetes and fruits. It is all right, all the fruits. Absolutely all fruits you should consume. The only thing what you can avoid is don't eat very late in the day. Okay. Eat first thing in the morning, because your whole day then you have time to process it. Number two, जो शुगर आपको अपने खाने से मिलता है, यानी कि आपके फ्रूट्स में से मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोस, Yes. नॉट ग्लूकोस। सो Okay. फ्रुक्टोस इज गुड फॉर योर बॉडी इनफैक्ट, बट ग्लूकोस इज बैड। ओके, So in glucose comes all the processed sugar, right? यस, ऑल द प्रोसेस्ड शुगर्स, ऑल द व्हाइट शुगर इज गॉट ग्लूकोस। What about potatoes? पटेटो इज वेरी गुड, हम क्यों अननेसली बेचारे पटेटो को है ना बदनाम करते हैं, इनफैक्ट पटेटो इज एक्सलेंट फूड, इट हैज एनर्जी, पटेटो सी या पटेटो हैज एनर्जी, पटेटो हैज पोटेशियम, ओके, पटेटो इज एक्सलेंट फॉर योर स्किन, स्किन हेल्थ। फर्क ये होता है लोग पटेटो को बनाते कैसे हैं। सबसे पहली चीज, सबसे गलत चीज हम जो करते हैं ना, वो पटेटो का पील निकाल देते हैं। अरे छिलके में कितना न्यूट्रिशन होता है पटेटो के, पर हमको लगता है नहीं, गंदा है गंदा है गंदा है वो बोल के, इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, पटेटो को जब लाते हैं उसको पकाना है, उसको नमक के पानी में इनफैक्ट उसको भिगा के छोड़ दीजिए, उसको थोड़ी देर अच्छे से भिगा के छोड़ दीजिए, उसको पोंछ लीजिए, एंड देन कट द पटेटो विदाउट पीलिंग इट। सो पहली चीज तो पटेटो को पील नहीं करते। दूसरी चीज, हम जब पटेटो को पकाते हैं, कोशिश कीजिए कि पटेटो को डायरेक्टली आप पकाएं इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन वॉटर, पटेटो को पानी में डाल के पकाइए मत। तो अगर आपको पकाना है तो क्या कर सकते हैं, कुकर में पानी डालिए, आप तब पतीला लीजिए, उसके अंदर आलू डालिए और उसको ढक दीजिए, बट डोंट पुट द पटेटो डायरेक्टली इन वॉटर, एंड Steam देन it, आप, you mean? यस, यू शुड स्टीम द पटेटो, नॉट बॉइल इट लाइक दैट। व्हाई? क्योंकि उसका न्यूट्रिशन तो वो पानी में चला गया और फिर वो पानी आप फेंक देते हो। So whatever restrictions they say, like a lot of do's and don'ts for diabetes, like rice नहीं छूना, potatoes नहीं खाना, fruits नहीं खाना, this is not really to be Why not considered. rice? Have you asked this question? Why not rice? Rice तो इतने, मतलब rice is something which has been growing for centuries. Then why not rice अचानक से? आज एक स्टार्च होते हैं. साउथ इंडियन को बोलूंगी मैं चावल खाना बंद कर दे, सोचो उसका क्या हल होगा। Why not rice? Because today's rice is completely refined rice. It is सिंपल कार्ब्स दैट योर फूड इज, दैट योर बॉडी इज गेटिंग, विच हैज लॉट ऑफ ग्लूकोस। आप राइस खाइए, ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, अनपॉलिश राइस, कितने तरह के चावल आते हैं,
यस, एंड जितना डार्क कलर का राइस होगा उतना हाई वो न्यूट्रिशन में होगा. ऑलवेज रिमेम्बर, जितना समय लगता है चावल को पकाने के लिए उतना ज्यादा आपको उसकी एनर्जी मिलती है. सो अगर आप ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस देखेंगे, हमेशा उसको टाइम बहुत लगता है पकने के लिए. टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कुक. सो एनी फूड इफ इट इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू कुक, उतना ही टाइम लगता है टू डाइजेस्ट. ओके, सिंपल, उतना ही टाइम उसको लगता है टू डाइजेस्ट. अगर खाना लंबे समय के लिए डाइजेस्ट हो रहा है तो आपको भूख जल्दी लगेगी क्या? नो आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी. अगर आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी, आपकी एनर्जी लंबे समय के लिए चलेगी, तो आप ज्यादा खाना खाओगे क्या? यस आप ज्यादा खाना खाओगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, हेल्दी रहेगा. क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, आप हमेशा देखिए, आप अगर शक्कर बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी भूख कम हो जाती है. आप कभी भी देखिए, आप बिना नमक का खाना खाते हैं, या आप उपवास रखते हैं, या आप तेल कम खाना तेल कम वाला खाना खाते हैं, आपको एनर्जी बढ़ती है, आपको भूख कम लगती है, आपकी सेहत बेटर रहती है. बट जितना हम शक्कर, क्यों हमको शक्कर की आदत हो जाती है, हमें नमक की आदत हो जाती है, वी गेट एडिक्टेड बिकॉज हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, दे हैव वर्म्स. हम बच्चों को नहीं देते, डीवर्मिंग करते हैं उनका. वाई? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हमें उसकी आदत हो जाती है, एंड इट कीप्स क्रेविंग फॉर मोर. सो इट क्रेव्स फॉर शुगर, इट क्रेव्स फॉर दैट रिफाइंड ऑयल. ऑटोमेटिकली आपके शरीर को क्रेविंग होगी, आप खाना दोगे उसको. बट आप जब न्यूट्रिशियस खाना देते हो, न्यूट्रिशियस फ्रूट देते हो, या वेजिटेबल देते हो, या कुछ भी देते हो, आप हमेशा देखो, आप कम खाते हो, आप इतना भर के नहीं खा पाते हो, क्योंकि आपको उतने में सेटिस्फेक्शन हो जाता है. और जब आप उस तरह का खाना खाओगे, ऑटोमेटिकली आपको भूख कम लगती है. ओके, सो नंबर वन, यू शुड ईट नॉन पॉलिश राइस, डार्क कलर्ड राइसेस. और याद रखिए, जितना उसको टाइम लगता है पकने के लिए, उतना टाइम डाइजेशन के लिए लगता है. सो अपने आप ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपको खाना कम लगेगा दिन में. नंबर टू, जो डायबिटिक लोग होते हैं, या जिनको ब्लड प्रेशर, जैसे आप गोली लेंगे, मैं आपको ये कहूंगी, गोली लेने के बदले आप क्या ले सकते हो? भिंडी पानी. भिंडी पानी लीजिए सुबह सुबह उठने के बाद. क्यों भिंडी पानी लेते हैं? भिंडी के अंदर की जो स्टिकीनेस होती है, या कोई भी चीज है, इनफैक्ट जितनी भी सब्जियां या फल होते हैं जो चिपचिप रहते हैं, चिपचिपाहट जिसमें रहती है ना, व्हाट इज दैट स्टिकीनेस? दैट स्टिकीनेस इज द कंपाउंड व्हिच हेल्प्स टू रिड्यूस योर ग्लाइसोमिक इंडेक्स इन द बॉडी. ओके, सो जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, आपके बॉडी में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है. तो प्रोसेसिंग स्टार्ट जब हो जाता है, तो क्या होता है, आपके शरीर में एनर्जी स्प्रेड होने लगती है. द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम दैट फूड दैट आपने खाया है. अब अगर आप सिंपल कार्ब्स खाते हो, ओके, तो आपकी एनर्जी जल्दी डिप्लीट हो जाती है. पर अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएंगे, प्रोटीन्स खाएंगे, विटामिन्स देंगे, मिनरल्स देंगे, गुड फैट्स देंगे, सब कुछ देंगे, तो क्या होगा? और अगर आप वो सारी चीजें खाते हो जिसका ग्लाइसोमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो वो क्या करेगा आपके शरीर में?
वो जो एनर्जी है आपके शरीर में, ऐसे भेजने के बदले वो ऐसे भेजेगा। दैट मीन्स इट विल गिव योर बॉडी एनर्जी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल दोज पीपल हु टेक डायबिटिक मेडिसिन, गोलियां लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके शरीर को बार बार वो एनर्जी लगती है। बट आप ये अब रिवर्स कर सकते हो बाय गिविंग इट फूड विच हैज लो ग्लाइसोमिक इंडेक्स। तो यू ईट डार्क कलर्ड राइस, यू हैव बिंडी पानी, यू कैन ईट ऑल द स्टिकी फूड्स, करेला बिटर फूड, स्टिकी फूड बिटर फूड, ये सारी चीजें क्या होती है आपके शरीर में एनर्जी लंबे समय के लिए देती है। तो ऑटोमेटिकली आपको भूख कम लगती है, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बढ़ी रहती है, ऑटोमेटिकली आपका शरीर हेल्दी रहता है। सो फॉर डायबिटिक पीपल, फॉर ब्लड प्रेशर पीपल, ऑल ऑफ देम कंपल्सरी यू शुड हैव भिंडी पानी एवरी मॉर्निंग। सो भिंडी पानी, ग्रीन जूस, यस ग्रीन जूस इज कंपल्सरी। आप अपने ब्लड को थिन करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे प्रकृति में आपको इतने हरी चीजें दी है। यू हैव हड्डी जोड़, यू हैव गुलवेल, यू हैव इंसुलिन का पत्ता, यू हैव एलोवेरा, आंवला, मलबेरी लीव्स, करेले का पत्ता, यू हैव नीम। ऑल दिस क्या करता है? अपने खून को शुद्ध करता है, उसको अच्छे से बनाता रहता है। तो हमें क्यों गोली लेनी है? हर सुबह आप उठिए, आपके पास घर में माइक्रोग्रीन्स उगाइए, थोड़ा सा माइक्रोग्रीन्स का एक पूरा गुच्छा लीजिए, उसमें जो भी हरी सारी चीजें दिखती है वो सब डालिए, और आप उसको पीस के जूस बना के उसको पीजिए। अपने आप एवरी डे यू आर गिविंग योर बॉडी अ फुल सुपर शॉट ऑफ न्यूट्रिशन, यू आर गिविंग अ न्यू सुपर शॉट ऑफ वैक्सीन, यू आर गिविंग इट अ सुपर शॉट ऑफ ऑल पॉसिबल मेडिसिन यू कैन हैव इन द वर्ल्ड इन इट्स नेचुरल फॉर्म। व्हाई डू वी नीड मेडिसिन फॉर दिस? यू डोंट नीड। Are we going to continue now or give it a break? So we can continue or we can give it a break for today. It is up to y'all to decide. We are now moving to Shivambhu, Okay. urine therapy. Let us finish Can I? Shivambhu and we can take a leave. All of you can decide. Hello. Can I take a break now? I have to go somewhere. I Okay. can come back in half an hour or so. All Is of you that want to take a break for half an hour? You can do that also and come back. We can no, continue no, then good. for 1 hour. Yeah, Hello, let's have a Sujit. break of half an hour. Okay. We can all take a lunch break for half an hour. And then today we can complete Shivambhu after that. Hello. Okay. Okay then. Hello. Thank you. सो इट इज अ डेली वैक्सीनेशन जो आप अपने शरीर को देते हैं इन द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ लाइफ, मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन फ्रॉम लाइफ, मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन फ्रॉम मदर अर्थ, जो हमें मिल सकता था वो कुदरत ने हमें शिवम्भू के रूप में दिया है। शिवम्भू मीन्स यूरिन थेरेपी, सेल्फ यूरिन थेरेपी, ओके, ऑटो यूरिन थेरेपी भी बोलते हैं इसको। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लाइफ फोर्स, इट इज अ प्राणा विच इज लाइफ, जिंदा प्राणा आपके शरीर में पूरे दिन जो क्रिएट होता है और बाहर निकलता है,
और जो आपका शरीर, आप जो खान पान उसको देते हैं, उससे आपका शरीर उसको प्रोसेस करके आपको देता है। तो कैन यू इमेजिन, इट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्टर्ड विटामिंस, मिनरल्स, ऑल पॉसिबल एंटी ऑक्सीडेंट्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड प्रोवाइडेड बाय योर बॉडी फॉर यू। अभी आप पूछेंगे मुझसे कि ये तो शरीर, अपने शरीर, अपना शरीर इसको फेंक देता है, इट इज द वेस्ट ऑफ द बॉडी, हाउ कैन यू ड्रिंक इट? सो वेरी सिंपल लॉजिक इज दैट इट इज क्रिएटेड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ योर बॉडी। ओके, इट इज व्हाई इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा टाइम प्रोसेसिंग में लगा रहता है। तो क्या आप खाना पीना बंद करते हो क्या? हम खाना पीना तो कभी बंद नहीं करते हैं। तो खाना पीना अगर हम चालू रखते हैं तो बाकी के शरीर का प्रोसेसिंग भी तो चालू रहना चाहिए। इनटेक होगा तो एक्सट्रैक्ट भी तो होगा। तो अगर इनटेक आप कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, वन इज द एसिडिक फॉर्म विच इज द स्टूल्स, जिसमें हमारे शरीर में जो चीजें नहीं जरूरत पड़ती उस समय एक्स्ट्रा है, वो सारी चीजें हमारा शरीर स्टूल्स के द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। दैट स्टूल्स इज इनफैक्ट अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। इसीलिए हम शेन खत यानी कि काउ डंग जो इस्तेमाल करते हैं, इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। तो एक्चुअली अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपका भी स्टूल्स कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। फिर जो काउ यूरिन है, वो काउ यूरिन इज आल्सो यूज्ड एज अ फैंटास्टिक फर्टिलाइजर। काउ यूरिन इज यूज्ड, गौमूत्र इज यूज्ड एज अ वेरी गुड एंटी बैक्टीरियल। इट इज यूज्ड फॉर कैंसर पेशेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर स्किन प्रॉब्लम्स। बचपन में मैंने बहुत गौमूत्र लगाया था चेहरे पे बिकॉज ऑफ पिंपल्स ऑन माय फेस। तो सोचिए आपका मूत्र फिर कैसे खराब हो गया। इट इज द सेम, योर बॉडी इज अ टेम्पल। अगर आप अपने शरीर को उस तरह से रखते हैं तो बाहरी सुंदरता जरूरी नहीं है, आपका शरीर अंदर से कितना सुंदर है ये आपका यूरिन बताता है आपको। इफ योर यूरिन कलर इज वेरी लाइट इन कलर और कलरलेस, स्मेल इट इज नॉट स्मेलिंग एट ऑल, ओके, बैड ओडर नहीं है, इनफैक्ट कई बार तो नो ओडर। तीसरा, टेस्ट, इट शुड बी टेस्टलेस और इट शुड बी वेरी लिटिल टेस्ट, वेरी लाइट टेस्ट। तो क्या होगा, दिस थ्री थिंग्स शो दैट योर यूरिन इज गुड टू कंज्यूम। ओके, वेरी लाइट टेस्ट। अब हम खाना पीना खाते हैं, नमक खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। आप ये ध्यान में रखिए, जब आप बहुत मसालेदार खाना खाएंगे या आप एकदम सॉल्टी फूड खाएंगे या आप बहुत शक्कर या तेल का खाना खाएंगे तो आपका यूरिन का कलर बदलेगा। आपका यूरिन का कलर डार्क होगा, आपका यूरिन का टेस्ट एकदम कड़ूपन आएगा, आपका यूरिन का स्मेल भी आएगा। ये आपको दिखाएगा, इट इज सो ब्यूटिफुल। एवरी डे योर बॉडी शोज यू हाउ योर बॉडी इज फ्रॉम इनसाइड, एवरी डे। तो अगर आज मैं बाहर खाना खाने वाली हूं तो मैं क्या करती हूँ पता है? अगर मुझे पता है कि मुझे रात को बाहर जाना है, मैं उस दिन या तो सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी या दोपहर का खाना नहीं खाती हूँ, और मैं बहुत पानी पीती हूँ। सो अगर आपको पता है कि यू आर गोइंग टू ईट आउट, तो ध्यान में रखिए आपका शरीर इतना फॉरगिविंग है कि आज अगर आपने खाना खाया है, अगर आप अच्छे से पानी पिएंगे तो आपका यूरिन अच्छा होगा, विच मीन्स
कि आपका शरीर प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से कर रहा है। सो याद रखिए, हमेशा सिंपल चीज है, आप अगर खाना खाते हैं तो पानी भी अच्छे से पिया कीजिए। अगर आप पानी अच्छे से पिएंगे तो आपका यूरिन अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, उसका टेस्ट अच्छा रहेगा, उसका कलर अच्छा रहेगा और वो स्मेल भी नहीं करेगा। तो आप उसको जरूर बेशक कंज्यूम कर सकते हैं। आप जब फास्टिंग करते हैं और उसके बाद आप यूरिन कंज्यूम करते हैं, आपको पता है अगर आप नॉर्मल लिक्विड फास्ट भी अगर आप करते हैं 2 या 3 दिन बाद योर यूरिन विल बिकम लाइक नारियल पानी। इट इज सो गुड एंड प्योर। नंबर 3, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ यू फॉल सिक, आप बीमार होते हैं, आप यूरिन फास्टिंग कर सकते हो। यू बी ऑन यूरिन। आई हैव सो मेनी पीपल इन माई संघा जो एक बूंद भी यूरिन वेस्ट नहीं करते हैं, फुल डे का दे कंज्यूम यूरिन, दे मसाज। आप मसाज करिए यूरिन से, धूप में बैठिए, दैट इज द वे ऑफ हेल्पिंग योर सेल्फ टू बिकम स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, स्किन एलर्जीज वगैरह के लिए अप्लाई यूरिन, डोंट यूज एनी सोप, डोंट यूज एनी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑन योर बॉडी। यू डोंट नीड टू यूज एनी स्किन ट्यूब्स, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि यूरिन में एक अनोखी चीज होती है जो है यूरिया, और यूरिया इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन यूरिन, एंड यूरिया हेल्प्स योर स्किन टू स्टे यंग एंड हेल्दी, और यूरिया इज अवेलेबल ओनली इन यूरिन। तो आपके इतने सारे जो स्पेशल स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको एक्सफोलिएट करने के लिए, उसको यू गेट फॉर स्मूदनिंग, यू गेट फॉर बाइंडिंग, यू गेट फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ स्किन एलर्जीज, इन सब में आप पीछे देखेंगे तो इफ इट इज गॉट यूरिया रिटन, तो ध्यान में रखिए वो यूरिया कहाँ से आया है, इट इज फ्रॉम समबडीज यूरिन। तो आज जब कुदरत ने हमें अपना ही एक सिस्टम दिया है जहां वी गेट फ्रेश यूरिया एवरी डे, और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय ड्रिंकिंग, बाय अप्लाइंग, तो फिर हमें कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स की क्या जरूरत है? वी डोंट नीड ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो इज दैट यू कैन यूज यूरिन फॉर मेनी थिंग्स, वॉशिंग ऑफ आईज, ओके, कंज्यूमिंग फूड बाथ, पैर दुखते हैं, बाइटे आते हैं, आपको सरोस वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है, आपको घुटनों का दर्द है, पीठ में दर्द है, कोई भी है, बाल में खुजली होती है, ये सारी चीजें, नाक ब्लॉक हो जाता है, इन सब चीजों के लिए आप यूरिन इस्तेमाल कर सकते हो। यूरिन से हम जल नीति करते हैं, यूरिन को हम पट्टी लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप एक टोप लीजिए, उसमें यूरिन कलेक्ट कीजिए, आप पट्टी कॉटन का कपड़ा लीजिए या मलमल का लीजिए, उसमें डुबाइए, और आपको जहां दर्द है आप वहां पर लपेट के उसको, यूरिन की पट्टी को छोड़ दीजिए जब तक वो सूख नहीं जाए। सूखने के बाद आप उसको निकाल के सिर्फ पानी से धो लीजिए। ये प्रोसेस अगर आप करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। जलता है, अगर कहीं जल गया आपका हाथ, आप दिन में 2 बार उसी जगह को यूरिन में डुबा के रखिए 20-20 मिनट के लिए। डोंट ट्राई टू यूज दिस दैट, ये वो कुछ मत करिए, आप यूरिन में डुबाइए, या ऐसी जगह है अगर जहां पर आप डुबा नहीं सकते हैं तो आप वहां पर यूरिन की पट्टी लगाइए, यूरिन का मसाज कीजिए, तो अपने आप नोटिस करेंगे ऑल दैट बर्न विल गो अवे। आंखों की तकलीफ है, रोज यूरिन ड्रॉप्स डालिए, यूरिन वॉश कीजिए अच्छे से, आपको उसमें फर्क दिखेगा। ओके, ईयर ड्रॉप्स,
जिनको कानों में तकलीफ है, यू पुट यूरिन ड्रॉप्स एवरी डे बिकॉज यूरिन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन. यूरिन इज द प्योर फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ इनफैक्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फूड. अगर आप खाना पीना अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से सोते हैं, अच्छे से पानी पीते हैं, तो आपका यूरिन भी उतना ही अच्छा होगा. तो जब हम यूरिन कलेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यूरिन जाने देते हैं, बाकी का पूरा कलेक्ट करते हैं और लास्ट का भी जाने दे देते हैं अगर थोड़ा सा चाहिए तो, नहीं तो अदरवाइज यू कैन कलेक्ट द होल थिंग. एंड एवरी मॉर्निंग फर्स्ट थिंग एज सून एज यू गेट अप यू कंज्यूम दैट ग्लास ऑफ यूरिन. यू कैन देन कीप सम एंड देन यू कैन मसाज विद इट, यू कैन डू जलनीति विद इट, यू कैन डू योर आई वॉश, यू कैन इवन डू एनिमा विथ यूरिन. सो एनिमा, यूरिन एनिमा भी होता है. और इसके अलावा आपको, जैसे मैंने कहा, आप डिप करके भी रख सकते हैं, तो पैरों को डिप करके रखना ये भी आप कर सकते हो. इट इज वेरी गुड, राइट? सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स देयर. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट हेल्प्स इन ऑल क्रॉनिक डिजीजेस. सो आपको कोई भी तरह की डिजीज हो ना, दिस रियली हेल्प्स टू कूप अप. इनफैक्ट आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली विद कैंसर पेशेंट्स. कैंसर पेशेंट्स को यूरिन थेरेपी पे जब हम डालते हैं, इमेंस इम्प्रूवमेंट देखा है, इमेंस. आई हैड अ कैंसर पेशेंट जिन्होंने कहा था कि मैं यूरिन थेरेपी करूंगा लेकिन मैं कीमो नहीं छोड़ूंगा. आई सेड ओके, इट्स योर चॉइस. यू नो, जब वो पहले कीमो के लिए जाता था तो उसको हफ्ते भर बाद तक ना उसको तकलीफ होती थी, लूज मोशंस, गिडीनेस, स्टमक पेन्स, ये बहुत उसके साइड इफेक्ट्स होते थे. जब उन्होंने रेगुलर यूरिन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके बाद, व्हेन ही वेंट फॉर हिज कीमो, नॉट वन साइड इफेक्ट. He was perfectly okay from the very next day only. So the doctor was amazed and asked ki bhai what are you doing, and he said I'm doing urine therapy. Imagine. So it really helps to for your day-to-day purposes. It kills cancer cells without destroying the आपका. आप गुप्ता जी, आप बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है. एंड वी कॉल इट एन ऑल्टरनेट थेरेपी, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी, दिस इज द मेन थेरेपी विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इलनेसेस. ओके, यूरिन थेरेपी हमें कब नहीं करना चाहिए? अगर कोई भी तरह का इन्फेक्शन आपको है जिस जो यूरिन में निकलता है, तो ही आपको नहीं करना चाहिए. नहीं तो इट इज परफेक्टली ओके टू डू यूरिन थेरेपी. मसाज कीजिए आपकी स्किन एवरी डे यूरिन से. सारे मेरे पिंपल्स चले गए थैंक्स टू यूरिन थेरेपी, बिकॉज एवरी डे आई यूज टू अप्लाई यूरिन ऑन माई फेस. सो यूरिन थेरेपी इज फैंटेस्टिक. इट कैन बी यूज बाय एवरीबडी, न्यू बॉर्न बेबी से लेके बुजुर्ग, ऑल ऑफ यू कैन यूज यूरिन थेरेपी. प्रेगनेंसी में यूरिन थेरेपी रियली हेल्प्स इनफैक्ट टू हैव अ मच मोर हेल्दियर प्रेगनेंसी. तो इतनी सारी, इनफैक्ट प्रेगनेंसी में दे गिव यू आयरन टैबलेट, दिस टैबलेट, दैट टैबलेट. आप अगर फॉलिक एसिड ये सब लेते भी हैं तो यूरिन में वो सारा आ जाता है. सो कितने जन मुझे बोलते हैं कि अगर हम गोली ले रहे हैं तो शुड बी डू यूरिन थेरेपी. आई से यस, यू शुड डू यूरिन थेरेपी. क्यों? क्योंकि आपका बॉडी काफी सारा वो टैबलेट का जो इफेक्ट है वो सारा तो यूरिन में आ जाता है. तो जब अब आप वो यूरिन लेते हो, नाउ योर बॉडी रिकग्नाइजेस दैट, तो आपको उसका फायदा दुगना हो जाता है.
एंड इसके वजह से धीरे धीरे इनफैक्ट हमारी हम आपकी दवाई बंद कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग डबल बेनिफिट ऑफ दैट सेम मेडिसिन दैट यू टुक. व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग इट, पुटिंग इट बैक इनटू योर बॉडी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट एंड थ्रोइंग इट अवे. तो इंस्टेड ऑफ टू टैबलेट्स यू विल नीड ओनली वन. राइट? So that is why everybody can use it. Anybody can use it whenever you are, wherever you are, you can use it. Extra. कितने जन ओके आपको डिजीनेस फील हो रहा है, आपको कमजोरी लग रही है, आप यूरिन थेरेपी पूरे दिन पे जाइए, नारियल पानी लीजिए, यूरिन थेरेपी कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है, आपका गिडीनेस कम हो गया है. So I can keep going because urine therapy is so good and there are so many ways of using urine therapy. Chahe wo patti ho, massage ho, and drinking ho. Fresh hi drink karna chahiye, purana urine rakha hua drink nahi karna chahiye. Lekin urine ko agar aap rakhte ho, kaanch ki bottle mein rakha kijiye, you can store your urine for years. ओके एंड जितना लंबा रखेंगे उतना ज्यादा वो पोटेंट हो जाता है, और अगर कहीं पर भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपको स्वेलिंग हो जाए या बच्चों को लग जाए, हल्का सा जैसे पहले नहीं लेते थे या डेटॉल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसके बदले में आप यूरिन लेके वहां लगाइए, ठीक हो जाएगा. सो यू कैन स्टोर यूरिन एंड कीप इट. यू शुड कीप इट इन अ लिटिल कूल डार्क प्लेस. पहले अगर आप उसको स्टोर कर रहे हैं तो क्या करना है, कांच की बरनी में उसको लेना है, ऊपर से उसके ऊपर कपड़ा बांध के उसको धूप में छोड़ना है हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए. तो वो क्या होगा, उसकी जो सुगंध, वो स्मेल हो जाती है यूरिन की, वो सारी निकल जाती है. तो एक बार वो पूरी स्मेल निकल जाए उसके बाद फिर आप उसको बंद करके आप उसको रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, फिर उसकी स्मेल नहीं आती. ओके, व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑन दिस? मैं पूछ रहा था कि वो जिसको आपने कैंसर पेशेंट को यूरिन थेरेपी करवाई, क्या वो ठीक हो गया? नहीं, वो तो गुजर गए, बट सबसे खास बात ये है कि वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो आराम से, इनफैक्ट लास्ट तक भी वो बहुत आराम से गए, बिना तकलीफ के गए. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी. दूसरा ये था कि जब वो आए थे तो ऑलरेडी वो काफी ये थे, तो अनफॉर्चुनेटली ये तो हम नहीं कर पाए थे कि अच्छा यू नो, लेकिन उनका बहुत आराम से अच्छे से मतलब वो गए, आई कैन से दैट मच. आई हैड वन कैंसर पेशेंट जिन्होंने इतनी ट्रीटमेंट ली थी, इतनी ट्रीटमेंट ली थी, लीलावती में ली थी, और फाइनली वो डॉक्टर्स गिव अप कर दिए. ब्लड कैंसर पेशेंट था एंड उन्होंने कहा अब इससे आगे हम आपके लिए और कुछ नहीं कर पाएंगे, यू कैन गो होम नाउ. तो वो बोला कि ऐसे कैसे, इतने लाखों रुपए मैंने खर्च किए हैं और उसके बाद आप आज मेरे को ये बोल रहे हो, तो क्या करूं मैं? तो डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया था कि कम गो फॉर द मेडिसिन फ्री लाइफ, वहां अगर आपको हेल्प मिल गई तो आपको मिल जाएगी. एंड दैट बॉय हैड कम, दिस स्टोरी आई हैव पुट ऑन माय यूट्यूब चैनल आल्सो, इट इज द स्टोरी ऑफ दीपक. और वो जब आया था वो इतना बीमार था, एकदम मतलब उसमें कोई जान नहीं बची थी, काला हो गया था उसका स्किन, और वो पहले 3 दिन तो सिर्फ उल्टियां किया क्योंकि वो सब बाहर निकल रहा था, और उसने इतनी तो उल्टी की और वो 100 मीटर भी नहीं चल पाता था. और हमारे साथ वो करीबन 2 या 3 हफ्ता कुछ रहा. बाय द एंड ऑफ इट ही वॉज वॉकिंग एंड रनिंग विथ मी 3 किलोमीटर्स. His skin color had completely changed.
His lip was black. It changed the color. He was doing farming with us. He was eating very well. Everything. And his wife, who had suffered so much stress because of this whole process, do you know when she came? उनको जैसे हमें कैसे चिकन गुनिया हो जाता है, ये दाने हो जाते हैं चिकन पॉक्स की तरह, उनके पूरे स्किन पे ऐसे पॉक्स निकल गए बाहर. इट वॉज नॉट चिकन पॉक्स बट इट वॉज लाइक पॉक्स ओनली. तो वो जो स्ट्रेस से सारा जो था ना अंदर का, वो सब बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ दिस पॉक्स. और नॉर्मली जब पॉक्स हो जाते हैं तो उसको कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में. बिकॉज शी वॉज इन निसर्ग, बिकॉज दिन में 1 घंटा मिनिमम वो धूप में बैठती थी, एक्सरसाइज कर रही थी, उसने यूरिन थेरेपी किया, विद इन 5 डेज 5 और 6 डेज मैक्सिमम सारे सूख के सब झड़ने लगे थे. इट इज वेरी ब्यूटिफुल थेरेपी. इंफ्लेमेशन हो तो धूप में बैठ सकते हैं? इन्फ्लेमेशन के लिए नहीं बैठना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेमेशन अगर नहीं है तो जरूर बैठ सकते हैं. जैसे एक्जिमा वगैरह होता है, आप यूरिन लगाइए, धूप में बैठिए. तो धूप में जो बैठते हैं, इसका टॉपिक है अपना आगे विच हम करेंगे. बेसिक आइडिया इज कि धूप में जब हम बैठते हैं तो बहुत सिंपल चीज समझनी चाहिए. जब धूप में बैठते हैं तो शरीर पे धूप एकदम अच्छी लगनी चाहिए. इट शुड फील वार्म, इट शुड नॉट फील हॉट. अगर गर्म लगने लगे तो पता चल जाता है कि इट इज टाइम टू गेट आउट ऑफ द सन. ओके, सो वी विल हैव दैट टॉपिक लेटर, बट इन द मीन टाइम इज देयर एनी अदर क्वेश्चन ऑन यूरिन थेरेपी? आपने कहा एनिमा में भी यूज कर सकते हैं, यस यस, कम अज कम 1 लीटर तो पानी यूज होता है, और अगर यूरिन कम हो तो उसको फिर पानी में डाइल्यूट करके यूज किया जाएगा। एनिमा 2-3 तरीके से होता है. 500 ml का भी कर सकते हो आप, 1 लीटर का भी कर सकते हो. सो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एनिमा हमेशा करो तो 1 लीटर का ही करो. आप 500 ml का भी कर सकते हैं, 700 ml का भी कर सकते हैं. तो आप यूरिन का एनिमा कर सकते हो, ये तो है ही. ओके, दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा चाहिए तो आप यस उसको डाइल्यूट करके भी यूज कर सकते हो. पानी के साथ? हाँ, पानी के साथ. ओके, सो दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो. पानी जो है रिटेंशन मैक्सिमम 1-2 मिनट होता है, तो वो क्या 1-2 मिनट में ही यूरिन का कुछ ना कुछ उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता होगा क्या? पहली चीज तो उसको रिटेंशन एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि 5 to 7 minutes तो हो. ओके ओके, ओके, इनफैक्ट आप 10 मिनट भी रख सकते हैं, तो आपको 10 मिनट रखना चाहिए. तो इसके लिए मैं बोलती हूँ थोड़ा सा पानी फिर आप कम करो. अगर आप रिटेंशन नहीं कर पा रहे हो लंबे समय के लिए, तो आप क्या करिए, फिर उतना पानी इस्तेमाल न मत कीजिए, थोड़ा कम करिए पानी, पर उसको रिटेंशन लंबे समय के लिए रखिए जितना हो सके उतना. समझ गया समझ गया। यस, ठीक है, ओके. अर्चना चंदा बुआ, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो क्वेश्चन। हाँ ठीक, so well, this is again, that was the water of life. This is actual water जो हम रोज पीते हैं. we are in fact 72%+ of water. Yes, that is why I feel water is a most important aspect which we cannot neglect. and frankly speaking, water एंड एयर, ये 2 चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा.
हमको लगता है कि अच्छा हम आरओ फिट कर देंगे तो पानी अच्छा है, हमको ऐसा लगता है कि अच्छा हम जहां पर भी जा रहे हैं चलो मिनरल वो पैकेज वाटर पीते हैं तो इट इज गुड। हमको बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि हमारा शरीर का जो एल्कलाइन लेवल है, पीएच लेवल है, वो इज सपोज टू बी 7.4। नेचुरली भगवान ने हमारा पीएच लेवल 7.4 बना के हमें भेजा है, विच मीन्स वी आर एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, एल्कलाइन इन नेचर का मतलब ये होता है कि आर बॉडी इज मेंट टू ईट एल्कलाइन फूड, ड्रिंक एल्कलाइन वाटर, इट कीप्स आर स्किन वेरी, ये जो हमारी स्किन ये इसके लिए इतनी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ आर एल्कलाइनिटी। हम जो स्वस्थ रहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ आर एल्कलाइनिटी एंड वी ऑल्सो हैव एसिड। सो एल्कलाइन एंड एसिड ये दोनों भाई भाई हैं और दोनों बराबर में रहते हैं। हमें एसिड की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर आप अपने मुंह में कुछ भी आज की तारीख में डालेंगे द डाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर माउथ, और अगर उसको डाइजेस्ट करना है तो हमारे शरीर में फायर की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है। वो अग्नि कहाँ से आती है? एसिड से आती है। तो जैसे ही आप अपने शरीर में कुछ भी डालते हैं एसिड स्टार्ट बीइंग प्रिपेयर्ड, दे प्रिपेयर देमसेल्व्स, एंड जब वो प्रिपेयर करते हैं वो ग्रो होता है तो आपका खाना डाइजेस्ट होता है। और हम क्या करते हैं? हमको एसिडिटी है, हमको एसिडिटी है, और हम क्या करते हैं? एसिडिटी गोली पॉप कर देते हैं। तो एसिड की गोली पॉप करेंगे तो हमें ये नहीं ध्यान में आता है कि हम ये नहीं दिमाग लगाते हैं कि एसिडिटी हुई कैसे, व्हाट डू वी मीन बाय एसिडिटी। बाय द वे देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एसिडिटी, इट इज अ नेम और अ वर्ड गिवन फॉर नथिंग। आप सोचिए अगर आपका एल्कलाइन और एसिड इस तरह से आपके शरीर में है, अब अगर आप ढंग का अच्छा एल्कलाइन खाना नहीं खाएंगे तो आपका एल्कलाइन लेवल क्या होएगा? नीचे हो जाएगा। अब अगर आप अच्छा एल्कलाइन पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा? और नीचे होगा। आप सो नहीं रहे अच्छे से, नीचे हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नीचे हो जाएगा। बेसिकली आपकी एल्कलाइनिटी डाउन होने लगेगी। तो एसिड कहाँ है? एसिड तो वही है। तो अब आप कुछ भी खाएंगे पियेंगे बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एल्कलाइन इन नेचर, तो हमें क्या होगा? हमें लगेगा कि हमारा एसिड लेवल बढ़ गया है, मुझे एसिडिटी हो गई। तो हम क्या करते हैं? गोली देते हैं। गोली देने से एसिड सप्रेस हो जाता है। एसिड जाता है क्या कहीं पर भी? जाता कहीं नहीं है, वो सप्रेस हो जाता है। तो इसलिए जब वो बाद में बढ़ता है तो फिर से आप एसिडिटी की गोली ले लेते हैं। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए? हमें हमारे एल्कलाइनिटी को बढ़ाना चाहिए। ओके, सो एसिडिटी जब कोई बोलता है ना, इट इज नॉट कॉल्ड एसिडिटी, इट इज कॉल्ड नॉन एल्कलाइनिटी। माय बॉडी इज बिकम, आई हैव बिकम नॉन एल्कलाइन। ओके, सो देन व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स आई हैव टू मेक माय बॉडी एल्कलाइन। सो एवरी टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एसिडिटी, सो कॉल्ड एसिडिटी हो गई है, एल्कलाइनिटी बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं नींबू पानी पीऊंगी। अचानक से एकदम एक शॉट, हमको 1 लीटर में 2 नींबू डाल के हमें नींबू पानी पीना चाहिए। काकड़ी खाते हैं, पान खाते हैं जिसमें एल्कलाइनिटी बहुत होती है ना, हम वो चीजें हमें करनी चाहिए। एंड वी शुड पुश आर एल्कलाइनिटी अप, तो अपने आप आपकी तकलीफ चली जाएगी। लेकिन अगर आप एसिड की गोली ले लेंगे तो आपने इनफैक्ट आपके शरीर के लिए और गलत कर दिया है। एंड इफ योर बॉडी इज नॉट एल्कलाइन इन नेचर, तो आपको पता है क्या होता है? क्या
क्योंकि आपके शरीर को इतनी ब्यूटीफुली बनाया है कि हर रोज आपका शरीर, हमारा शरीर 7.4 होता ही होता है। अगर वो नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। सो आर बॉडी इज क्रिएटेड इन सच अ मैनर दैट इट मेक्स श्योर योर पीएच लेवल बिकम 7.4++। तो अब अगर अपने बॉडी को तो ये ड्यूटी दी है कि यू हैव टू बी 7.4++, तो फिर वो कहाँ से निकालेगा, क्योंकि आप तो अल्कलाइन पानी, अल्कलाइन फूड्स नहीं खा रहे। रिमेम्बर वी स्पोक अबाउट स्टोरेज सिस्टम। आर स्टोरेज सिस्टम इज द बोन्स। सो द बॉडी विल स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग ऑल द मिनरल्स एनीवेयर फ्रॉम द बोन्स टू मेक आवर बॉडी अल्कलाइन इन नेचर। तो अपने पीएच लेवल को मैनेज करने के लिए आपके बोन्स में से अगर मिनरल्स निकालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर वीक होने लगेगा, आपके बोन्स कमजोर होने लगेंगे, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगेगा। और हम क्या करते हैं, हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, उसकी वजह से कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम है, कैल्शियम की गोली खाते हैं, ये गोली खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं, और फिर उसके बाद और दवाइयां बढ़ जाती है। हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो फिर हम कभी नी जॉइंट, नी का सर्जरी हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है। पर हम बेसिक नहीं समझ रहे हैं कि बेसिक ये है कि हमारा पीएच लेवल हमें मेंटेन करना है, बेसिक ये है कि हमें उसे अल्कलाइन बनाना है। अगर आप उसे अल्कलाइन बनाएंगे, उसको शिवम्भू करेंगे, सारे मिनरल्स उसे मिलेंगे, तो वो सेहतमंद रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तो आपके बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगे, बोन्स स्ट्रांग रहेंगे तो आप भी स्ट्रांग रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। एंड द बेस्ट वे टू मैनेज द पीएच लेवल ऑफ योर बॉडी इज टू ड्रिंक एल्कलाइन वाटर। अब अगर आपके घर में आरओ का सिस्टम है तो आप ये बात समझ लीजिए कि आरओ के सिस्टम में आपको कोई भी एल्कलाइनिटी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इट किल्स एवरीथिंग, इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया, इट किल्स एवरीथिंग, तो उसके साथ साथ उसकी पूरी एल्कलाइनिटी भी चली जाती है। तो वॉट यू आर गेटिंग इज नथिंग, वॉट यू आर ड्रिंकिंग इज नथिंग बट डेड वॉटर, मरा हुआ पानी। और मरा हुआ पानी अगर आप पियेंगे तो आपका एसिड पीएच हमेशा हाई रहेगा, और वो हाई रहेगा तो ये सारी बीमारियां होंगी हमें, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर वैस्कुलर डिजीजेस हो, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो, पार्किंसंस हो, लिवर हो, किडनी हो, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इतना इजी तरीका दिया है मेंटेनेंस करने का, शिवम्बु कीजिए, अल्कलाइन पानी पीजिए। अल्कलाइन पानी आपको अगर चाहिए तो सबसे इजी तरीका क्या है, अल्कलाइन फिल्टर लगाइए। ओके, पूना में वी हैव गौरव हु मेक्स अल्कलाइन फिल्टर, तो आप अल्कलाइन फिल्टर ले सकते हैं उनसे। नहीं तो, और उसमें क्या होता है, जब वो फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें बेसिकली योर वॉटर शुड गेट इलेक्ट्रो, लाइक उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे शुड गेट लाइफ, वो जिंदा होने चाहिए, जो भी मिनरल्स होते हैं वो जिंदा होने चाहिए। तो उसको जीवित रखने के लिए आपका पानी जीवित रहना चाहिए, और आजकल जो हम पानी पीते हैं वो इट्स डेड वाटर। अगर मरा हुआ पानी पिएंगे, हम क्यों कहते हैं कि नदी का पानी पीजिए, क्योंकि नदी का पानी बहता है, पत्थरों के थ्रू, हर चीज के थ्रू वो पानी बहता है, तो बहने की वजह से वो पानी जीवित रहता है, वो जीवित पानी रहेगा
तो वो अच्छा रहेगा, इसीलिए हम उसे पीते हैं। और सोचिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से पैक हुआ, कौन से पानी से पैक हुआ, प्लास्टिक बॉटल्स कहाँ कहाँ वो गर्मी में ट्रैवल करता है, कैसे वो दुकानों में रहता है, और हमको लगता है कि वो पानी पीना हमारे लिए सेफ है। एंड पूरे दिन अगर आप इस तरह का पानी पियेंगे तो 72%+ तो हम पानी है। विमेन आर 74, मेन आर 72। इतना पानी अगर आपके शरीर में हम मरा हुआ पानी उसको पिलाएंगे, क्या होने वाला है हमारी सेहत का और हमारा। उसके बाद तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप दवाई लीजिए, दुनिया जिंदगी भर दवाई खाएं, कुछ भी करिए, बट अगर हम पानी ही सही नहीं पियेंगे तो इट इज नो यूज। सो वी शुड ड्रिंक एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन फिल्टर आता है, आप ले सकते हो। अगर तब तक नहीं है तो हमें क्या, पहले के टाइम पे हमें ये सब टेंशन ही नहीं था क्योंकि कुएं का पानी पीते थे, कुएं के पानी को लेते थे, उसको फिल्टर करते थे सिर्फ वो छन्नी केस से द्वारा, और हम मटके में डालते थे तो ओवर एल्कलाइन हो जाता था इनफैक्ट वो, क्योंकि आ रहा जमीन से है और उसके बाद हम उसको जमीन में डाल रहे हैं। तो सारी जो मिनरल्स हमें धरती से मिलनी चाहिए वो सब हमें मिलती है। वाई? बिकॉज हम धरती हैं, वी आर मेड ऑफ अर्थ। हमारी चमड़ी, हमारी स्किन, हमारा शरीर पूरा धरती है।